हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर की, जहाँ से मैंने 2019 में ही पास आउट किया है और आज मैं यहाँ अपने काम से ही आ रहा हूँ नोड्यूस के लिए। तो सोचा एक वीडियो इस पर बना दूँ ताकि आपको जीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर देखें तो मेनली 6 ब्रांचेस है और एक मेन बिल्डिंग है जहाँ पर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेट पूरा होता है कॉलेज का। जैसे कि फ़ोटो पर आप लोग देख रहे हो, ये मेन बिल्डिंग है जीसी का, जहाँ पर पूरा जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेट होता है यहीं से होता है। तो यहाँ का लोकेशन की बात करें तो ये धर्मपुरा 3रा नंबर जगदलपुर में आता है। जैसे कि ये देख रहे हो, बस्तर विश्वविद्यालय के जस्ट अपोजिट पे जीसी है, इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसे कि देख रहे हो, ये मेन गेट है जीसी का और एक और गेट है जो कि पीछे साइड है, उस पर भी हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। और यहाँ पर मेनली 6 ब्रांचेस है, जिसमें सबसे पहले जो बिल्डिंग आएगा वो सिविल का आएगा, फिर इलेक्ट्रिकल का आएगा और मैकेनिकल, माइनिंग, आईटी एंड लास्ट में आएगा ईटीएनटी का। और उसके बाद आएगा मेन बिल्डिंग जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, ये सिविल बिल्डिंग है, सबसे पहले आता है सिविल बिल्डिंग। सिविल के बाद हम लोग इसी के जस्ट पीछे साइड रहेगा इलेक्ट्रिकल। और ये जो व्यू देख सकते हो यहाँ से नज़ारा सीधा, जैसे कि ये व्यू है पूरा। इसके बाद ये जैसे पीछे मुड़ते हैं तो पीछे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो बिल्डिंग है जो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल का बिल्डिंग है, सिविल के जस्ट बाद में इलेक्ट्रिकल का बिल्डिंग पड़ता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो ये जो दिख रहा है, ये मैकेनिकल, पुराना मैकेनिकल बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है। और यहाँ पर जैसे ये जो देख रहे हो, ये पार्किंग है इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग का, हर ब्रांच का पार्किंग बनाया हुआ है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल का था। इसके बाद आगे जाएंगे तो मैकेनिकल का मिलेगा बिल्डिंग। और ये जो देख रहे हो, ये ओल्ड मैकेनिकल बिल्डिंग है, जहाँ पर अभी स्पोर्ट्स वगैरह ये सब खेला जाता है, इंडोर स्पोर्ट्स पूरा वहाँ खेला जाता है। जैसे ये जो बिल्डिंग या जो बोर्ड देख रहे हो, ये मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का बिल्डिंग देख सकते हो, जैसे बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद आएगा माइनिंग बिल्डिंग। माइनिंग जैसे कि यहाँ पर देखोगे, सभी ब्रांचेस का पार्किंग स्लॉट भी बनाया गया है, जैसे ये बोर्ड आप लोग देख रहे हो माइनिंग का, ये चौथा ब्रांच हुआ अभी तक का, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग। इसके बाद आएगा जैसे ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ एक देख सकते हो, पूरा जीसी के लिए क्लिनिक बनाया गया है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये छोटा सा क्लिनिक है जहाँ डॉक्टर बैठता है, जैसे छोटा मोटा चोट लग जाता है तो वहाँ जाकर आप मेडिसिन ले सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनिंग के बाद आता है आईटी ब्रांच या डिपार्टमेंट, उसी को देखते हैं। और जो ये जो स्लॉट देख रहे हो, वो पूरा पार्किंग एरिया है, जैसे कि ये आईटी डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है, इसके जस्ट बाद ईटीएनटी डिपार्टमेंट आएगा। जैसे ये पार्किंग स्लॉट है पूरा, टीचर्स पार्किंग स्लॉट। उसके बाद आगे देखोगे तो गेमिंग एरिया आ जाता है। ये लास्ट है ईटीएनटी ब्रांच का डिपार्टमेंट है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो मेन बिल्डिंग आएगा। ये मेन बिल्डिंग है जहाँ प्रोफेसर लोग का पार्किंग स्लॉट है, साथ में ये देख सकते हो मेन बिल्डिंग का जो मेन व्यू है यही है। ये प्रिंसिपल का गाड़ी है रखा हुआ, जैसे यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये देख सकते हो सैनिटाइज़र, और ये यहाँ जो भी उद्घाटन वगैरह हुआ होगा उसका पूरा प्लेट लगा रखा है,
साथ में आगे जाएंगे। तो जो भी आते हैं पेरेंट्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स, वो सब यहाँ पर बैठ सकते हैं, या फॉर्म वॉर्म फिलअप करना रहता है तो यहाँ पर आप बैठ के आराम से फिलअप कर सकते हो, या पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम के लिए। तो हम आगे जाते हैं, इधर लाइब्रेरी है ऊपर, सबसे पहले देखते हैं लाइब्रेरी। एक स्पेस है जहाँ वाटर फिल्टर लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी पी सकते हो। और ये जो एरिया हम लोग जो जा रहे हैं वो लाइब्रेरी की ओर जाता है, ऊपर में है लाइब्रेरी, उसको देखते हैं सबसे पहले। ये देख सकते हो यहाँ पर एक कंप्यूटर लाइब्रेरी है, मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ये रहा कंप्यूटर रूम का सेक्शन है, और आगे जाएंगे तो यहाँ लाइब्रेरी मिलेगा। शायद अभी लॉक लगा हुआ है, लंच टाइम हुआ है ना, तो सर लोग सब लंच में गए इसलिए लॉक लगा हुआ है। ये जीजी का पूरा लाइब्रेरी। तो चलिए वापस चलते हैं नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं वॉशरूम है, और साथ में यहाँ भी वाटर फिल्टर रखा हुआ है। यहाँ से आप ऊपर छत में जा सकते हैं। चलिए नीचे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पड़ता है प्रिंसिपल केबिन। अभी प्रिंसिपल खान सर है, ये जो देख रहे हो ये प्रिंसिपल केबिन है। इसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ सभी सर लोग का केबिन मौन है, जैसे अकाउंट सेक्शन है, एग्ज़ाम सेंटर है, ये सब है। तो मेरा तो आज काम सभी सेंटर मन का है, मेनली मेरा एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ कश्यप सर बैठे, ये अकाउंट सेक्शन रहा, अकाउंट सेक्शन। तो मेरे को जाना है सबसे पहले कश्यप सर के पास टीसी बनवाने के लिए। तो ये कश्यप सर का केबिन है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर है, मेनली एग्ज़ाम्स से रिलेटेड पूरा वर्क यहाँ पर होता है। जो काम चल रहा है वहीं कश्यप सर बैठे हुए, और इन लोग जो दिख रहे हैं वो मेरे साथ ही आए हुए हैं। कश्यप सर फाइल चेक कर रहे हैं। ये पूरा नज़ारा यहाँ से देख सकते हो, मेन बिल्डिंग का अंदर का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ कश्यप सर बैठे हैं। तो जैसे ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में कुछ नोटिस लग रहा है, तो उसको भी देखते हैं क्या नोटिस लगा है। जैसे ये नोटिस बोर्ड है, और यहाँ अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। और आगे जाएंगे तो प्रिंसिपल केबिन पड़ेगा। ये बाहर निकलने का रास्ता है, बाहर आपको जाना है, मेन बिल्डिंग से निकलना है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं बाहर। तो ये प्रिंसिपल का केबिन रहा, और ये जो इंटर जो गेट मेन गेट वो है। यहाँ से आप बाहर निकलते हो, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखेगा गाइस। तो ये रहा जीसी का पूरा तो नहीं दिखा पाया, बाकी जितने अच्छे ब्रांचेस के बारे में तो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे को खुद का काम था, नोटिस करवाना था, सभी ब्रांच के टीचर से मेरा काम था, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी फ़ायदेमंद या इन्फॉर्मेशन मिला होगा जीसी के बारे में। सो आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा।